नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते आज की खास बड़ी खबर की ओर। शिक्षा ही समाज की प्रगति की कुंजी है। सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, सभी को शिक्षा जरूरी है। इसके लिए शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने और संस्थान को खूबसूरती देने की ही जरूरत है, जिससे कि बच्चों को आकर्षित कर सके। इसी सोच के साथ चर्चित समाज सेवी लुत्फुल हक ने शहर के जाने माने और पुराने स्कूलों में शामिल जिदातो गर्ल्स मिडिल स्कूल और जिदातो बंगला मिडिल स्कूल के कायाकल्प का बीड़ा उठाया है। शहर के सबसे पुराने स्कूलों में से जिदातो गर्ल्स मिडिल स्कूल और जिदातो बंगला गर्ल्स मिडिल स्कूल के जर्जर भवन को बेहतर और खूबसूरत बनाने का बीड़ा पाकुड़ के विख्यात समाज सेवी लुत्फुल हक ने उठाया। इसको लेकर लुत्फुल हक ने अपने स्तर से स्कूल प्रबंधन से मिलकर कार्य प्रारंभ करने की बात कही। जिदातो गर्ल्स मिडिल स्कूल के सेक्रेटरी शुक्ला दत्ता और प्राध्यापिका नीतू हाजरा ने लुत्फुल हक से मिलकर जिदातो गर्ल्स मिडिल स्कूल की स्थिति से अवगत कराया था। बताया कि स्कूल के कई कमरों में बिजली वायरिंग नहीं की गई है, यहाँ तक कि कई कमरों में पंखा भी नहीं लगाया गया, जिस कारण बच्चों को गर्मी में बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई करना पड़ता है। वहीं स्कूल के कमरों का प्लास्टर और छत डैमेज हो गए हैं। रंग रोगन का कार्य वर्षों से नहीं हो पाया। इसके अलावा बंगला गर्ल्स मिडिल स्कूल की प्राचार्य शुभ्रा दत्ता ने भी स्कूल के जर्जर भवन के बारे में बताया। ये भी बताया कि कमरे नहीं रहने के कारण पेड़ के नीचे पढ़ाई करने के लिए बच्चे मजबूर हैं। सभी बारिश होती है तो कमरे में जगह की कमी के कारण छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस पर लुत्फुल हक ने शनिवार को जिदातो बंगला गर्ल्स मिडिल स्कूल और जिदातो गर्ल्स मिडिल स्कूल का जायजा लिया। दोनों स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और एक एक कमरे को देखा। दोनों स्कूल में 1250 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस पर लुत्फुल हक ने तत्काल चेक के माध्यम से सहयोग राशि स्कूल की सेक्रेटरी शुक्ला दत्ता और प्राचार्य नीतू हाजरा को सौंपा। उन्होंने कहा कि दोनों स्कूल के जर्जर कमरों को ठीक कराया जाएगा, इसके अलावा नए कमरों का निर्माण भी कराया जाएगा। इधर समाज सेवी लुत्फुल हक ने पत्रकारों से कहा कि मेरे द्वारा जल्द ही पाकुड़ शहर में गुणवत्तापूर्व शिक्षा को लेकर कोचिंग संस्थान खोली जाएगी। उक्त कोचिंग सेंटर में क्लास 1 से MA तक के छात्रों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी और इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी निशुल्क कराई जाएगी, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, सेना, एयर होस्टेस, IAS, IPS की तैयारी कर देश में सेवा दे सकें। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म बहुत ही गरीबी में हुआ है। मैं बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाया। मैं काफ़ी मुश्किल भरी जिंदगी से जूझता रहा और यहाँ तक पहुँचा। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि मेरी तरह कोई भी गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, सभी बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। उधर दोनों मिडिल स्कूल के प्राचार्य और सेक्रेटरी ने लुत्फुल हक का आभार व्यक्त किया है। लुत्फुल जी, आपके यहाँ आए हुए समाज सेवी, क्या आप सहयोग की अपेक्षा करते हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ लुत्फुल सर का कि हमारे स्कूल में आए और वो देखे और तुरंत हमारे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, बिल्डिंग के लिए तुरंत उसने हेल्प हमारे लिए कर दिया और वो बोले कि जो भी ज़रूरत होगी वो उसको पूरा करेंगे। हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं उसके पास। और मैं यहाँ एक मशहूर समाज सेवी लुत्फुल जी आए हुए हैं, क्या समस्या, किन बातों को लेकर के आपने इनको बुलाया है? देखिए, ऐसे तो हमारे ये बंगला कन्या मध्य विद्यालय पाकुड़ जिले में सबसे पुराना बंगाली मीडियम और एक ही बंगाली मीडियम स्कूल है, तो इसकी जो जर्जर स्थिति है तो बहुत दयनीय अवस्था में है। ये तो अनेकों के पास गए हैं लेकिन उतना कोई आशावादी बात तो सुनते हैं लेकिन फल कुछ नहीं मिला है। लेकिन आज जैसे हम लोग खबर मिला कि ये समाज सेवी हमारे भैया, बड़े भैया के जैसे सबको वो मदद करते हैं, इस उम्मीद के साथ हम लोग भी गए। और हमारे अभी जो सचिव है जिदातो की, मिस दत्ता, उनके साथ उनके प्रयास से उनको हमने बुलाए और ये अपना समय दिए बहुमूल्य, चारों तरफ देखे दयनीय स्थिति में और ये आश्वासन दिए कि कल से यहाँ का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके पास आभारी हूँ और ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि हमारे बड़े भैया और तरक्की करें और जो गरीब है जिसको कुछ नहीं मिलता है इनके ओर से और कुछ लोगों को मिले और आशीषित हो। धन्यवाद। ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें किलांचल टाइम्स। किलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।